क्योंकि मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। क्योंकि हम पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि बाबा साहब का अंतिम सपना था भारत को बोलने में बनाने का। वो बोलने के पीछे एक वजह है और वजह यह है जिस धर्म में लोग वर्ण में बटे हों, जिस धर्म में लोग जातियों में बटे हों, जिस धर्म में कुछ खास लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार हो, जिस वर्ण में महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के तौर पर माना जाता हो, उस देश का कभी विकास हो नहीं सकता। लेकिन हम भारत को इस तरह कमजोर होते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि भारत हमारा है, भारत हमारा है, और हमें भारत के उसी गौरव को वापस लौटाना है जब भारत को लोग सोने की चिड़िया के रूप में जानते थे। और वो समय सम्राट अशोक के टाइम पे जब भारत पूरा बौद्ध में हो गया, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। राजा भयभ्रत के अंतिम जो अंतिम सम्राट थे मौर्य वंश के, उनके सेनापति पुष्पकसुंदर ने जिस छल कपट से धोखे से उनकी हत्या की, और हत्या करने के बाद सत्ता कब्जा कर सत्ता का गलत इस्तेमाल कर ताकत के बल पर 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया, सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, और फिर ये जाति पर आधारित विषमता पर आधारित अन्याय पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से भारत ने स्थापित किया, तब से भारत का पतन शुरू हो गया। उसके बाद भारत एक बार नहीं हमारा देश अनेकों बार गुलाम हुआ, इतिहास गवाह है। अनेकों बार हमारे ही अपने देश के शासकों ने विदेशियों को अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए बुलाया, क्या ये सच्चाई नहीं? मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, कोई भी आगे आगे बहस कर दो। तो जब हमारे अपने देश में ऊंच नीच की भावना हो, एक दूसरे को कमजोर करने की भावना हो, अपना शासन बचाने के लिए पड़ोसी पर हमला करवाने की भावना हो, तो फिर भारत मजबूत कैसे होगा? और जहां जाति और धर्म पे समाज आधारित बटा हो, जाति धर्म पे के आधार पर समाज बटा हो, वहां न्याय नहीं हो सकता। इसीलिए समस्या को समझने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध का धर्म दिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और बाबा साहेब का वो समता मूलक समाज का सपना, तो न्याय पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित, समता मैत्री भाईचारे पर आधारित समाज का जो सपना था बाबा साहेब का, वो सपना सपना रह गया। हमने ये सपना देखा। हम मिशन जर्नी के सारे साथी पूरे देश के अंदर बिखर जाएंगे और पूरे देश के अंदर समता मैत्री भाईचारे और न्याय पर आधारित, ज्ञान पर आधारित समाज की स्थापना करेंगे, समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, भारत को बौद्ध में बनाएंगे और फिर से भारत गौरवशाली राष्ट्र बनेगा।